पार्टी नहीं होता, कोई जात नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। ये गुंडे लोग एक टाइम कांग्रेस में थे, तब सीपीएम आए तो सीपीएम के संग गए, आज बीजेपी में है, कल अगर कोई और आएगा तो वहां भी जाएगा। लेकिन ये गुंडे लोग वही लोग हैं जो एमएलए का पेटनेज लेते हैं पिछले 15-20 साल से। सर कल काउंटिंग में और आज ऐसा है तो आप क्या बता सकते हैं कल ऐसा कुछ भी नहीं होगा? ये पुलिस को करना है। इलेक्शन अब तक शांति मोरल शांति से गए, बारिंग वोटिंग डे में जो हुआ, लेकिन ये स्पेसिफिक एरिया में पहले से भी 2-3 बार प्रॉब्लम हो चुकी। ये जो आज मैं पूरे ओपोजिशन के खिलाफ नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं क्लियरली बोलना चाहता हूं कि 1-2 व्यक्ति हैं जो मुझे पर्सनली खत्म करना चाहते हैं, और वो आदमी या फिर पब्लिक प्लेटफॉर्म में बोले या गुंडागर्दी में करे, मैं नहीं करने वाला। आई नो एग्जैक्टली, आप लोग सब जानते हैं कि ये आदमी कौन है या इनके लोग कौन है। आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस लाइन। सर क्या आप सिक्योरिटी के बारे में सोच रहे हो? वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, दैट द स्टेट गवर्नमेंट विल डिसाइड ऑन माय सिक्योरिटी, बट आई थिंक मोर देन माय सिक्योरिटी, आई थिंक द अरेस्ट ऑफ गुंडास, क्रिमिनल्स, माफियाज, मुझे 2 बॉडीगार्ड, 3 बॉडीगार्ड, 10 बॉडीगार्ड देने से कुछ नहीं होगा। पहले जिसने तोड़फोड़ किया है, जिसने ये शुरू किया प्रॉब्लम, उनको अरेस्ट करें, क्योंकि अगर आज मैं हूं कल कोई और होगा। इसके लिए मैं कहता हूं कि क्रिमिनल्स का कोई पार्टी नहीं होता, जात नहीं होता, धर्म नहीं होता। ये क्रिमिनल्स वहीं में जाते हैं जहां में उनको प्रोटेक्शन मिलता है। आज प्रोटेक्शन कोई नेता दे रहा है, इसके लिए आज उनके साथ है, कल कोई और आएगा तो लोग वहीं में जाएंगे। ये जो आज हुआ है ये बहुत दुख, मुझे दुख लगता है। एसडीएम मेरे सामने अपने फैमिली को फोन करके बोल रहा था कि अगर कुछ हो गए तो मैं, ये 2021 में आपने मेरा पूरा कैंपेन देखा, मैंने पूरे कैंपेन में एक आदमी को कुछ नहीं, इन लोगों का पूरा कैंपेन ही नफरत में, किसी को पर्सनली अटैक करो, किसी को वहां में अटैक करो। मैंने आज तक एक शब्द मानिक सरकार के खिलाफ नहीं बोला पूरे कैंपेन में, मैंने आज तक एक शब्द हमारे चीफ मिनिस्टर के बारे में नहीं बोला, एनसी दे वर्मा मेवा के बारे में नहीं बोला। लेकिन एक व्यक्ति हमारे ऊपर अटैक करते रहता है, और आज आपने जो देखा है, अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? पुलिस तो था वहां, अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पुलिस को भी लगता है, लोकल लेवल पे, मैं हायर लेवल में नहीं बोल रहा हूँ, डीजीपी के लेवल में नहीं बोल रहा, लोकल लेवल कि उनको प्रोटेक्शन है उनके नेता से। क्राइम क्यों बढ़ता है जब सबको लगता है कि उनका जो ऊपर अन्नदाता है, लीडर है, वही उनको प्रोटेक्शन करता है? क्लियर बात है। जब आदमी लोग डर जाते हैं तो गलती करते, when they are scared, na? Then that's when they do this. अगर वो लोग इलेक्शन जीतते तो उनको क्या करता? मैंने क्या किया उनके खिलाफ? मेरा कोई पर्सनल दुश्मनी है उनके साथ? मैंने किसी को गाली धमकी देकर मैं अंदर गया? मैं उनको जानता हूं व्यक्तिगत तौर में, तो क्यों किया? किसी ने पैसा दिया इनको? ये लोग तो किराए के चट्टू है ना, कोई पैसा दे तो कहीं में कुछ किसी को भी मार दे पीट दे। इसके लिए मैं कहता हूँ कि कोई जात धर्म पार्टी नहीं होता, ये लोग हायर क्रिमिनल्स हैं। इनको जब तक हम लोग के पॉलिटिशियंस लोग ऐसे लोगों को फंडिंग करते रहेंगे, त्रिपुरा में कोई सेफ नहीं रहेगा, ना बीजेपी का कोई सेफ रहेगा, ना कांग्रेस का रहेगा, ना त्रिपुरा मोथा का, आईपीएफटी का, सीपीएम का, कोई सेफ नहीं रहेगा, क्योंकि ये लोग पैसा देकर क्राइम करते हैं। कल काउंटिंग है, आज ऐसे घटना घटी, कल भी ऐसा घटना घट सकता है। इसके लिए मैं प्रेस से बोल रहा हूँ, और मैंने डीजीपी से भी बात किया, मैंने सीएम से बात किया, मैं फिर से अपील करता हूँ कि ऐसा घटना नहीं होना चाहिए। अगर आज कुछ और उल्टा हो जाता है, आज अगर मुझे कुछ हो जाता है, तो क्या क्या रिएक्शन होता है? मैं चाहता हूँ कि त्रिपुरा में दंगा, मैं एकदम नहीं चाहता, और जो करना चाहते वो चाहते हैं कि कुछ हो, तब रियल इश्यू में कोई बात नहीं करे, टेंशन क्लियर अप हो,
इसी के लिए मैं आपसे फिर से आपके थ्रू बोल रहा हूँ कि इब्राहिम मोथा को जो भी हमारे लोग, आप लोग कानून अपने हाथ में मत लीजिए। ये लोग चाहते हैं कि कुछ उलट उल्टा हो। हम लोग अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा ऐसे ही जीत रहे हैं। ये लोग चाहते हैं कि रियल इशू में बात ना हो और जाति धर्म में बात हो। मैं ये नहीं चाहता।